हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, व्हाट्सएप पे आपने चेक कर लिया होगा, मैंने आज आपके व्हाट्सएप पर असाइनमेंट भेजे हैं और साथ के साथ एक क्वेश्चन बैंक भी भेजा है। ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक है वो पांचों यूनिट का मैंने आपको भेजा है, जो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी दिखाऊंगा उसको भी। फिलहाल ये पहले मैं असाइनमेंट लेके आया हूँ। असाइनमेंट में क्या है, देखिए मैंने पाँचों यूनिट के असाइनमेंट दिए हैं आपको। ठीक है, ये आपको क्या करना है, इनको असाइनमेंट को प्रिपेयर करना है, बनाना है असाइनमेंट को अपनी नोटबुक में। ठीक है, और जितने भी इन असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन इनमें वही हैं जो हमने क्वेश्चन बैंक में भी दिए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो दोनों तरफ मिलेंगे आपको, असाइनमेंट में मिलेंगे और क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। ये जो मैंने आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए, सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट ईयर के पेपर्स में से मैंने आपके असाइनमेंट बनाए हैं और क्वेश्चन बैंक भी वहीं से बनाया है। ठीक है, तो जो इसमें मैंने क्वेश्चन दिए हैं असाइनमेंट में, तो मोस्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही हैं सारे, या डेरिवेशन है इसमें। ठीक है, तो ये आपको मैंने जो नोट्स दिए हैं वहाँ से मिल जाएंगे टॉपिक्स इनके। कुछ जो बचे हैं क्वेश्चन वो वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। उसके बाद जो सिलेबस हम कर रहे हैं, उसके बाद अगर फिर भी रह जाते हैं कोई क्वेश्चन या टॉपिक, तो वो हम सारे एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हमारा पाँच यूनिट हो जाएंगी वीडियो के माध्यम से, तो फिर सारे जितने असाइनमेंट में क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक बार फिर ये बता देता हूँ कि मैंने जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हैं यूनिट वन से दिए हैं, जैसे कि ड्रॉ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ, डिप्लीशन लेयर करा चुका हूँ, डिफ्यूजन ट्रांजिशन कैपेसिटेंस करा चुका हूँ, मटेरियल्स करा चुका हूँ, और साथ में एवलांच और जनरल ब्रेकडाउन भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये पांचों क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ क्लास में, और ये आपको क्या करना है, असाइनमेंट बनाना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, नोटबुक में नोट करेंगे और साथ के साथ इनको प्रिपेयर भी करेंगे, याद भी करेंगे। ठीक है, अगर जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो मैं सारे असाइनमेंट, ये पांचों यूनिट के पांचों असाइनमेंट मैं आपके चेक करूंगा। ठीक है, साथ के साथ जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजे थे नोट्स, वो सारे नोट्स आपकी कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, और सारे स्टूडेंट सारी वीडियोस को देखेंगे, ताकि मैं जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो एकदम तेजी से रिवीजन कराऊंगा, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि बहुत कम टाइम मिले। ठीक है, और शायद ये भी हो सकता है कि क्लासेस का टाइम ना भी मिले, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, और ये जो असाइनमेंट है, अगर कि कोई बच्चा जल्दी ही प्रिपेयर कर लेता है, बना लेता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपना पीडीएफ बना के, उसका असाइनमेंट का, पांचों असाइनमेंट का पीडीएफ बना के आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ताकि मैं चेक कर लूँ। ठीक है, ये वाले मैं पांचों क्वेश्चन आपको करा ही चुका हूँ, और जो आपको इनमें क्वेश्चन मिलेंगे, ये यूनिट सेकेंड के ही क्वेश्चन है इसमें, ये यूनिट थर्ड के ही क्वेश्चन है, ये यूनिट फोर के क्वेश्चन है। फोर्थ यूनिट में मैंने तीन ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि जो छोटी यूनिट है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने ले लिए हैं यहाँ पर, बाकी क्वेश्चन बैंक में मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यूनिट फिफ्थ में तीन ही टॉपिक हैं तुम्हारे, जिसमें CRO है, एक तो CRO है ही हमारा, एक DSO मतलब ये डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप ही होता है, ये भी CRO ही होता है, डिजिटल स्टोरेज होता है। ठीक है, और ये वोल्ट मीटर दिया, एक मल्टीमीटर और होता है, वो मैंने क्वेश्चन बैंक में डाल दिया। बस फिफ्थ यूनिट तो छोटी सी है आपकी। ठीक है, तो मैंने यही बताने के लिए आपको ये वीडियो लेके आया हूँ मैं आज, ताकि आप ये असाइनमेंट अपनी कॉपी में अच्छे से प्रिपेयर कर लें और इसको याद भी कर लें। याद जरूर करना है इन क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम पेपर को जब आके इससे मैच करेंगे, तो मैच करना असाइनमेंट और क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है, उसमें से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको क्वेश्चन बैंक और दिखा देता हूँ, एक सेकेंड वेट कीजिए, क्वेश्चन बैंक भी एक बार देख लेते हैं वीडियो में ही। क्वेश्चन बैंक, यस, ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक मैंने कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया है, इसमें क्या किया, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको अलग बनाया है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उनको अलग बनाया है, और जो कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने लिए हैं वो अलग से बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन वो हैं 11 क्वेश्चन, मतलब जो आपके स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन आते ही हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जो आएंगे 10 क्वेश्चन, इन 11 में से आपको मोस्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस अगर होंगे वो ऐसे होंगे कि आप जो थ्योरेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उन क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में से ही शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें आपको, बहुत ज़्यादा मिलने वाले, बहुत सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये ज़्यादातर आए हुए ही क्वेश्चन हैं, जो बार बार रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन है। यानी कि ये क्वेश्चन बैंक और जो असाइनमेंट है, ये आपको अच्छे से याद करके ही जाना है, इसको तो छोड़ के नहीं जाना। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर जाते हैं ना, क्वेश्चन बैंक और असाइनमेंट, सारा जितने भी पाँचों असाइनमेंट और ये क्वेश्चन बैंक, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 80% आपका, समझ लीजिए, पेपर बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप वीडियो देखिए और जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसको पढ़ लीजिए। ठीक है,
चलिए ये क्वेश्चन हो गए लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने आपको ये थियोरटिकली लॉन्ग जो थियोरटिकल लॉन्ग क्वेश्चन है वो तो सेपरेट कर दिया और डेरिवेशन भी इसमें दे दिए एक दो, ठीक है। उसके साथ साथ ये 12 क्वेश्चन है, 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 के 12, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मैच कर लेना अपना, जब आएगा तुम्हारा पेपर उसको इससे मैच कर लेना, देख लेना ठीक है कितना मिलता है। अभी जो न्यूमेरिकल दिए हैं मैंने, इसमें न्यूमेरिकल टोटल मैंने 8 न्यूमेरिकल लिए हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे न्यूमेरिकल बनते हैं मोस्टली मैंने बस वही टॉपिक लिए हैं और उन टॉपिक से ज़्यादा नहीं, एक एक न्यूमेरिकल मैक्सिमम लिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल आते हैं ज़्यादा से, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला ही न्यूमेरिकल है ये हमारा ओपैम से लिया हुआ है, समर का न्यूमेरिकल है, ठीक है। ओपैम से एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल जरूर आपके एग्जाम में मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। तो समर का न्यूमेरिकल है ये, हो गया ठीक है। और दूसरा ये जो क्वेश्चन है ये वही है जो मैंने बायसिंग कराई थी बीजेटी के, आपको जो फोर्थ बायसिंग थी सेल बायस या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग, उसका न्यूमेरिकल है ये। आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए, जो हो जाते हैं ठीक है, जो नहीं होते मैं सारे न्यूमेरिकल तो एक बार आपको सारे कराऊंगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एक बार सारे रिवीजन में करेंगे हम, ठीक है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा क्लैम्पर का न्यूमेरिकल है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है ये, क्लैम्पर का आया हुआ। ये जो बीच में एक और क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका जो है, ये भी फोर्थ यूनिट का ओपैम का ही है, ठीक है। ये दो नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, दो नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन नंबर 5th है, 5th क्वेश्चन में ये हमारा क्लिपर का न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्लिपर का एक न्यूमेरिकल या क्लैम्पर का एक न्यूमेरिकल एग्जाम में 100% मिलेगा मिलेगा, ठीक है। एक बायसिंग का 100% मिलेगा मिलेगा और एक ओपैम का 100% मिलेगा मिलेगा। तो ये तीनों टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने घर पर नोटबुक में उससे बुक से, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिलेंगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये फिर से एक और बायसिंग का न्यूमेरिकल है, ये कौन सी बायसिंग है आपकी, सिंपल बायसिंग है, एमीटर रेसिस्टर बायसिंग है, ठीक है। यहाँ पर यानी कि सेकंड वाली एमीटर पर रेसिस्टर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक ये CRO जो 5th यूनिट है CRO के, उसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लेता है, ये साथ में आएगा किसी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। लिसेजिस पैटर्न पे है ये न्यूमेरिकल कैसा होता है ये भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और फिर से मैंने एक और ओपैम का क्वेश्चन लिया, तो यानी 5th यूनिट में तो न्यूमेरिकल आएगा तो बस ये इसी पे आएगा, वो अदरवाइज नहीं आएगा। 4th यूनिट में ओपैम पे मैंने बताई दिया ये क्वेश्चन, दो ओपैम हमने जोड़ रखे हैं, जो सबसे पहला ओपैम पे ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा रखा है और ये फिर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट, और ये दूसरा इनपुट हमने इस पे दे रखा है, यहाँ पर ये इनपुट दे रखा है, ये इनपुट दे रखा है और ये आउटपुट आएगा यहाँ से इसका, तो ये क्या हो जाएगा, समर बन जाएगा। तो यानी कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और ये समर, पहले इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा इसके लिए, इस सर्किट के लिए, और एक इनपुट ये वाला हो गया, दो इनपुट हो गए, तो दो इनपुट वाला समर हो गया, तो समर का आउटपुट हम निकाल ही लेंगे। तो बहुत ईजी न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल करने में बहुत ईजी होगा, देखने में चाहे ईजी ना हो, ठीक है, देखने में वो सर्किट ऐसा देगा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, हम न्यूमेरिकल सारे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से न्यूमेरिकल और जो मैंने क्वेश्चन दिए ये अच्छे से तैयार जरूर कर लेना एग्जाम से पहले पहले, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। चलिए इनको तो इतना ही डिस्कस करना था मुझे, चलिए फिर आज अपने टॉपिक पर आते हैं, अपने टॉपिक पर हमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए आज हमने क्या पढ़ना था, हमारी यूनिट 4 चल रही थी, इंटीग्रेटर हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमने पढ़ना है डिफरेंशिएटर, ठीक है। इंटीग्रेटर हम पढ़ चुके थे, डिफरेंशिएटर हमारा रह गया था, डिफरेंशिएटर 4th यूनिट चल रही है, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएटर का जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से होता है, जो आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो इंटीग्रेटर में हमने पढ़ा था, इंटीग्रेटर में जो सर्किट था उससे थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। इसमें जो इंटीग्रेटर में हमने फीडबैक पर कैपेसिटर यूज़ किया था वो हम इनपुट टर्मिनल पर यूज़ कर लेते हैं, यानी इन्वर्टिंग पे, और जो इन्वर्टिंग पे हमने रेसिस्टेंस यूज़ किया था वो हम फीडबैक पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बस इतना चेंज करते हैं यहाँ पर, बाकी हम वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे इसमें जो अब तक करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो हमें V1 इक्वल्स टू V2 हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि हर बार करना ही है, इस बार मैं कर नहीं रहा हूँ, आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है। V1 इक्वल्स टू V2 तक प्रूफ करना ही करना है, ठीक है। ये हमारी कंडीशन कौन सी होती है, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन होती है। इसके बाद जब यहाँ पर V1 हम देख रहे हैं ग्राउंड है, तो V1 जीरो है, तो V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, हमारा दोनों जीरो हो जाते हैं, ठीक है। जब V1 जीरो होगा तो जब दोनों इक्वल हैं ये, तो V2 भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन कहलाती है हमारी वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। इसमें कर लेना है, इसको भी कर दिया, आप भी नोट ना करो। वैसे मैंने जो डेरिवेशन भेजा है आपको, जो इसमें है PDF में, उसमें कर रखा है, ठीक है। चलिए ये कर लेंगे, ये करने के बाद हमें पता ही है फिर से हम क्या करते हैं, उसके बाद यहाँ I1 कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ IF कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पर जो एक करंट I2 है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पर इस नोड N पर KCL अप्लाई कर देंगे, और फिर आउटपुट वोल्टेज मेजर कर लेंगे। वही सिंपल प्रोसेस जो हम हर बार करते चले आ रहे हैं, ठीक है।
समझ में आ गया ना। चलिए तो आई वन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आई वन कैलकुलेट करने के लिए कैपेसिटर वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो बेसिक रिलेशन होता है, हमने इससे पिछले वाले इंटीग्रेटर में यूज़ करा था। क्या था वो यहाँ लिख देता हूँ, आई सी इक्वल टू क्या होता है, सी डी वी सी अपॉन डी टी, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से अब आई सी की जगह पर तो आई वन है, यहाँ पर तो आई वन हो गया, इक्वल टू सी की जगह पर सी वन है, और डी वी सी, वी सी कितना होगा, यहाँ से वी सी कैलकुलेट करेंगे, ये वी इनपुट है और यहाँ पर कितना है वी टू, यानी कि वी इनपुट माइनस वी टू, ठीक है, कितना हो जाएगा वी इनपुट माइनस वी टू अपॉन डी टी, ठीक है। तो वी टू तो हमारा जीरो है, तो अब हमारा आई वन कितना हो गया, आई वन इक्व टू हो गया सी वन डी वी इनपुट अपॉन डी टी, ठीक है, ये तो हमारा आई वन कैलकुलेट हो गया, क्लियर। अब हमने क्या निकालना है, आई एफ निकालना है, आई एफ कौन सा है, फीडबैक वाला करंट है, तो फीडबैक वाला करंट कितना होगा, आई एफ इक्व टू, इसमें तो सिंपल है रेसिस्टेंस है यहाँ पर, तो V2 माइनस V आउट, ठीक है, कितना हो गया V2 माइनस V आउट अपॉन RF, रेसिस्टेंस RF है, ये हमारा जीरो हो गया V2, तो माइनस V आउट यानी V नॉट अपॉन RF, ये हो गया हमारा IF। और I2 तो हमें पता है, जो I2 है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे ओपैम के ये किस पे जा रहा है, इनपुट पे जा रहा है, और इनपुट रेसिस्टेंस जो इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट होने की वजह से उसमें करंट कितना हो जाता है, करंट हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। चलिए तीनों करंट हो गए, अब हमें क्या करना है, इस नोड एन पे केसीएल अप्लाई करना है, ठीक है, तो चलिए केसीएल अप्लाई कर देते हैं। केसीएल अप्लाई करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर आई वन आ रही है, आई वन इक्वल्स टू आई एफ प्लस आई टू, तो आई टू तो जीरो हो गया, आई वन कितना आया था हमारा, आई वन हमने कैलकुलेट किया था सी वन डी वी इनपुट अपॉन डी टी, और आई एफ कितना आया था हमारा, आई एफ हमने कितना कैलकुलेट किया था, ये माइनस के वी नॉट या वी आउटपुट अपॉन आर एफ, तो हमें यहाँ से वी आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो वी आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, माइनस को भी उधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, वी आउटपुट इक्वल्स टू माइनस इधर ले गए, कितना हुआ, माइनस आर एफ इधर चला गया सी वन डी अपॉन डी टी और वी इनपुट, बस ख़त्म, ठीक है। देखिए कितना इजी था, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज पे हम अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट उसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंशिएट हो गया, हमें आउटपुट मिला, यानी कि क्या हो गया, हमारा डिफरेंशिएटर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत इजी डेरिवेशन थे इस यूनिट के, तुम्हारे मोस्टली डेरिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ जो माइनर चीज़ें बचेंगी ना जब हम रिविजन करेंगे, मैं फर्स्ट जैसी फिफ्थ यूनिट तक करा दूंगा सारा, फिर फर्स्ट यूनिट से लेके आएंगे रिविजन, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से रिविजन लेके आने के बाद लेके आएंगे हम क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में दिए हैं, ठीक है, जब क्वेश्चन बैंक हो जाएगा और रिविजन के साथ साथ इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी होंगी वो मैं सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस करता हुआ चलूँगा, ठीक है, क्लियर। यानी कि आप ये समझ लीजिए आपकी वीडियो के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस मैं कवर करा दूंगा, ठीक है, बहुत जल्द। अब जैसे फोर्थ यूनिट डेरिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं, न्यूमेरिकल जो है, एक दो मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, न्यूमेरिकल्स के बाद हम फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, फिफ्थ यूनिट स्टार्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, रिविजन करेंगे पहली यूनिट से जब रिविजन करेंगे तो साथ साथ क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन छूट जाते हैं उनको भी कवर करते चलेंगे रिविजन के साथ साथ, ठीक है। फिर जब सारा रिविजन जो मैंने अब तक पढ़ाया वो जब सारा रिविजन हो जाएगा एक्स्ट्रा टॉपिक्स के साथ, यानी कि पूरा पैकअप हो जाएगा, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग खत्म, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर जो मैंने असाइनमेंट दिया उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर जब ये भी हो जाएंगे अगर टाइम रहता है, उसके बाद भी अगर नहीं लॉकडाउन खुलता है तो फिर हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक एक करके एक एक ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और एक एक ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे एक दिन में, ठीक है। पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरे क्वेश्चन पेपर से क्या होगा, टाइम कम होता चला जाएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे स्टूडेंट से बोल दीजिए कि सारे जल्दी से जल्दी वीडियोस को देख लें, क्योंकि ये समझ लीजिए बस इन्हीं वीडियो के थ्रू पढ़ाया जा रहा है अब आपको, ठीक है, शायद ही पढ़ाया जाए क्लास में अब, ठीक है, चलिए ठीक है।